हेलो दोस्तों, स्वच्छंद सम्राट राष्ट्र। आज जो विषय मैं लेकर आया हूँ वह है बहुत महत्वपूर्ण है, और आप सब ने में से बहुतों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं माइग्रेन पर कभी जानकारी दूँ। माइग्रेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है सिर दर्द का, और सिर दर्द बच्चों और बड़ों दोनों में पाए जाते हैं। ज़्यादातर कारण, जो सबसे कॉमन कारण है सिर दर्द का, वह है टेंशन हेडेक, और दूसरे नंबर का सबसे कॉमन कारण है माइग्रेन, जो कि बच्चों और बड़ों दोनों को होता है। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि माइग्रेन सिर्फ बड़ों को होता है, लेकिन ये बच्चों को भी होता है। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको माइग्रेन के लक्षण, उसका कारण किस किन वजहों से प्रिसिपिटेट हो सकता है, और उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे उपचार और रोकथाम पर, ठीक है, और माइग्रेन से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियों पर भी। तो माइग्रेन जो है वह सिर दर्द का सेकेंड मोस्ट कॉमन कारण है भारत में। माइग्रेन का एग्जैक्ट कारण, ब्रेन में क्यों माइग्रेन होता है कुछ लोगों को और कुछ को नहीं होता, इसका अंदरूनी कारण अभी भी साइंटिस्ट को नहीं पता है। लेकिन ब्रेन में जो वेसल्स हैं, जो रक्त वाहिनियाँ हैं, उनमें संकुचन होने से यह सिर दर्द शुरू होता है माइग्रेन का। और जिन लोगों में यह होता है सिर दर्द, उनको बीच बीच में होता रहता है। कुछ लोगों को महीने में 2-3 एपिसोड होते हैं, कुछ को 3 महीने में 1 एपिसोड होगा माइग्रेन का, तो कुछ को एक हर अल्टरनेट डे पर भी होते हैं, और कुछ माइग्रेन के प्रकार में तो इंसान को डेली ही काफ़ी सफरिंग रहती है। और कुछ माइग्रेन के पेशेंट्स को डे टू डे वर्क करने में, उनके काम में बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द होने से। इसके लक्षणों में एक तो यह है कि सिर दर्द होना, दूसरा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब कुछ समय के लिए सिर दर्द होना, कुछ घंटों के लिए, 2 से 4 घंटे, 15 मिनट, दिन भर, लेकिन उसके बाद इंसान का पूरी तरह ठीक हो जाना, और कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक ठीक रहना, और फिर अगला एपिसोड होना। तो सिर दर्द के साथ पीरियोडिसिटी का होना माइग्रेन की डायग्नोसिस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में माइग्रेन के मरीज में सिर दर्द के अतिरिक्त कुछ और भी लक्षण होते हैं। एडल्ट्स में, बच्चों में ऑरा नहीं होता, एडल्ट्स में ऑरा होता है। ऑरा का अर्थ होता है सिर दर्द शुरू होने के पहले एक अजीब सी फीलिंग होना, एक अजीब सा, जैसे कि धुंधलापन आँखों में लगना, या एक हाथ में ही ताकत का महसूस नहीं होना, और चक्कर सा आना, ये इस तरह के लक्षण सिर दर्द शुरू होने के कुछ पहले होते हैं और कुछ मिनट तक हो सकते हैं, और इसके बाद इन लोगों में सिर दर्द शुरू होता है। माइग्रेन के ऐसे मरीज जिन्हें ऑरा होता है, वे समझ जाते हैं इन ऑरा होने के साथ कि मुझे अब सिर दर्द का एपिसोड शुरू होने वाला है। तो ऑरा के अतिरिक्त जो है हेडेक में, माइग्रेन के सिर दर्द में, उल्टी का जी करना या उल्टी होना, साथ ही साथ में माइग्रेन का सिर दर्द उल्टी होने से रिलीव हो जाता है, कम हो जाता है दर्द, या ठीक भी हो जाता है। साथ ही साथ में माइग्रेन का सिर दर्द नींद लेने से भी ठीक हो जाता है। माइग्रेन का सिर दर्द किसी खाने की चीज़ से, जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनको किसी खाने की चीज़ से हो सकता है, या माइग्रेन में किसी तेज स्मेल या तेज साउंड, या किसी तरह के मानसिक तनाव, स्ट्रेस, कभी कभी आइसक्रीम या चॉकलेट जैसी खाने की चीज़ों से भी माइग्रेन हो सकता है। अल्कोहल जो लोग लेते हैं, कुछ लोग अल्कोहल कंजम्पशन से हो सकता है, ऐसी ड्रग्स जिनमें नाइट्रेट है, वैग्रा काइंड ऑफ, उसमें भी माइग्रेन का हेडेक शुरू हो सकता है। तो इस तरह के कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क से भी कुछ लोगों को माइग्रेन का हेडेक होता है। कुछ लोगों को स्विमिंग, पानी में उतरने से माइग्रेन का हेडेक शुरू हो जाता है। तो ये तो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। लक्षणों में जैसे कि मैंने बताया, सिर दर्द, पीरियोडिसिटी, साथ में उल्टी होना या उल्टी का जी करना, नींद से आराम मिलना, साथ ही साथ में कुछ माइग्रेन में ब्लरिंग ऑफ विजन, मतलब कि एक धुंधलापन विजन में शुरू हो जाता है सिर दर्द के साथ, एक अजीब सा धुंधलापन, या कुछ माइग्रेन के प्रकार जिसको ऑक्युलर माइग्रेन बोलते हैं, उसमें तो इंसान कुछ देर के लिए अंधा तक हो जाता है, कुछ देर के लिए उसको दिखाई तक नहीं देता, ऐसे भी माइग्रेन के केसेस होते हैं, बट ये वाले केसेस बहुत रेयर होते हैं। कुछ माइग्रेन के प्रकार में सिर्फ और सिर्फ पेट दर्द होता है, सिर दर्द नहीं होता। तो ऐसे कई प्रकार हैं माइग्रेन के, और कभी कभी आर्टिफिशियल स्वीटनर जो मिले होते हैं, जो हमारे जो शक्कर के अतिरिक्त फैक्रीन जैसे, इनसे भी कुछ लोगों को माइग्रेन का हेडेक होता है, या कुछ मसाले चाइनीज खाने में डलने वाले जैसे अजीनोमोटो,
उससे भी माइग्रेन का हेडेक प्रिसिपिटेट होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि आनुवंशिक भी होता है, जैसे जिनके माता पिता, जिन बच्चों के माता पिता को माइग्रेन होता है उनमें ज़्यादा संभावना होती है माइग्रेन होने की। माइग्रेन आमतौर पर जब माइग्रेन का ट्रीटमेंट की बात होती है तो शब्द क्योर की जगह कंट्रोल शब्द उपयोग में लाया जाता है। कंट्रोल का अर्थ होता है कि दवा पर व्यक्ति सामान्य रहे या दवा से ठीक हो जाए। तो इसके दो तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, एक तो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर के लिए कुछ डायरी मेंटेन कर लेनी चाहिए यदि आपको नहीं पता है तो। कुछ लोगों को पता होता है कि मुझे आइसक्रीम से होता है, चॉकलेट से होता है, या नींद नहीं लेने से होता है, या नींद ज़्यादा लेने से भी कुछ लोगों को माइग्रेन होता है, बहुत ज़्यादा सोने से भी होता है, या अल्कोहल ले लेने से होता है, तो वो लोग उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं ये होने के लिए, ठीक है। दूसरा, माइग्रेन के हेडेक में यदि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, बहुत बार जल्दी जल्दी एपिसोड नहीं हो रहे हैं तो दवाएं जो हैं कभी कभी देने की दवाएं जैसे कि पेन किलर ही कारगर हो जाती हैं, जैसे डॉक्टर्स पैरासीटामोल और डोमपेरिडॉन जैसी दवाएं हैं वो देते हैं। बट मैं दवाओं के नाम बताना अपने वीडियोज़ में अवॉइड करता हूँ क्योंकि ये सही नहीं होगा और गाइडलाइंस के विरुद्ध है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से मिलें। मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूँ उसका उद्देश्य भ्रांतियों को तोड़ना और आपको साइंटिफिकली अपडेटेड रखना अपनी प्रॉब्लम के विषय में, अपने घर वालों की प्रॉब्लम के विषय में यदि है तो। इससे आपको दो फायदे होते हैं कि एक तो अच्छा डॉक्टर चुनने में भी आपको मदद मिल सकती है, आपको अंदाज होगा कि आपके डॉक्टर को वो नॉलेज है या नहीं, वो अपडेटेड है कि नहीं साइंटिफिकली, या वो तारतम्य है कि नहीं, क्योंकि मैं जो भी कुछ आपके सामने लेकर आता हूँ वह सिर्फ मेरा कहना नहीं, वो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो कहीं से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो माइग्रेन के मैं कभी कभी लिए जाने वाली दवाएं हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में या तो लिख दूंगा उन दवाओं के नाम कि एक इस तरह की दवाएं लिखी जाती हैं एक अंदाज के लिए, ठीक है। साथ ही साथ में एक्सरसाइज, संतुलित आहार और अच्छी नींद, ये माइग्रेन के हेडेक की फ्रीक्वेंसी को डेफिनेटली कम करती है। योगा, मेडिटेशन, जिससे कि स्ट्रेस कम होता है, साथ ही साथ में एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स को रिलीज करते हैं। एक्सरसाइज आप पे मैं 3-4 वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं, आपकी अन्य लोगों के वीडियो देख सकते हैं एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज ज़रूर अपनी ज़िंदगी के एक हिस्से में शामिल कीजिए, ठीक है। और अच्छी नींद लीजिए, समय पर सोइए, बहुत ज़्यादा लाइट, जिन लोगों को माइग्रेन होती है जैसे मोबाइल फ़ोन देखना, टीवी देखना, इससे भी माइग्रेन हेडेक प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है। नाउ ऐसे लोग जिन्हें बहुत बार बहुत जल्दी जल्दी होता है हेडेक और इतना ज़्यादा होता है कि उनकी लाइफ पर दुष्प्रभाव पड़ रहा होता है, उनकी डे टू डे लाइफ पर, काम पर, उन लोगों को लॉन्ग टर्म माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस पर रखना होता है। लॉन्ग टर्म माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस का अर्थ है कुछ दवाएँ आती हैं जो कि रोज़ाना लेने पर इंसान को ये एपिसोड होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है या फिर ये एपिसोड्स होना बंद हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन दवा पर, और दवा छोड़ने के बाद फिर से शुरू हो सकते हैं। इन दवाओं का लत नहीं पड़ती है हालांकि, लेकिन ये दवाएं महत्वपूर्ण हैं। तो ये तो थी माइग्रेन पर छोटी सी जानकारी। माइग्रेन हेडेक में सीटी स्कैन वगैरह एमआरआई का कोई रोल नहीं क्योंकि ये नॉर्मल आएगी, सारी जांचें माइग्रेन में नॉर्मल होती हैं, लेकिन आपके डॉक्टर सीटी स्कैन एमआरआई के लिए कभी कभार बोल सकते हैं यदि उनको डायग्नोसिस में कंफ्यूजन हो रहा हो कि माइग्रेन ना होकर कुछ और हो, क्योंकि कभी कभार ब्रेन ट्यूमर वगैरह में भी इस तरह के लक्षण होते हैं जहाँ सिरदर्द, उल्टी वगैरह होती है। जिन किसी को भी सिरदर्द है उनको सबसे पहले एक बार ब्लड प्रेशर जरूर नपवाना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना माइग्रेन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है। तो ये थी माइग्रेन के विषय में थोड़ी सी जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए और आप शेयर करें यदि आपको पसंद आए तो, और मुझे फीडबैक दें, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें, सब्सक्राइब करें। मेरे जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल हूँ, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड एलर्जीज हूँ, और मैं ये वीडियो स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र के उद्देश्य के रूप में आप सबके सामने यूट्यूब और फेसबुक के थ्रू लेकर आता हूँ, और अपने हेल्थ आर्टिकल से, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत के स्वास्थ्य आंकड़े जागरूकता की कमी से बहुत ख़राब हैं, जिन्हें हम सब भारतीय मिलकर, देशवासी मिलकर बेहतर कर सकते हैं। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन छोटा सा है, आपका बहुत बड़ा। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र।